हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो गाइस होने वाली है मेरी एक एसयूवी के बारे में, जो जिसे मैंने परचेज़ किया है, मुझे एक साल हो गया है, बट मैंने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते उन्हें पता होगा, मैं बात कर रहा हूँ टाटा हेक्सा XT 4x4 मैनुअल। ये मैंने पिछले साल ली थी और आज पूरे पूरी एक साल हो गया है। तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया इस पे, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसे चला कर देखना चाहता था एक बार खुद, मतलब कम्प्लीटली अग्री होना चाहता था किस टाइप का गाड़ी है। उसके बाद मैं सोचा आपसे यूट्यूब पे शेयर करूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ टाटा के सर्विस सेंटर इसकी सर्विस कराने, क्योंकि जब मैंने ली थी गाड़ी तो ऑलरेडी सर्विस थी। मैं बता दूँ, ये मैंने यूज्ड ली थी। एक्चुअली मैंने XUV 700 महिंद्रा की XUV 700 बुक करी थी, बट उसका डिलीवरी करीब 2.5 साल बाद था। तो 2.5 साल किसी भी गाड़ी के लिए वेट करना वर्थ इट नहीं है, और गाड़ी का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है 2.5 साल में। 2.5 साल आप इंतज़ार करो। तो ये लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी थी, मुझे फ्रंट व्हील नहीं लेना था, इस कारण से मैं हैरियर सफारी पर नहीं गया। और एक बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी को चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है, मोनोकॉक से। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, और एक्सा को जो लोग भी जानते होंगे वो जानते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। टाटा ने इसे BS6 में कंटिन्यू नहीं किया। खैर, मैं आज जा रहा हूँ गाइस इसकी सर्विस कराने। तो इस ये गाड़ी मैंने ली थी, मैंने जब से ली है तो ये अराउंड 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं इसके जा रहा हूँ सर्विस कराने, और बगल में ये टाटा का सर्विस सेंटर मेरे घर से मुश्किल से 10-15 मिनट होगा। तो जा रहा हूँ, और जो भी सर्विस रिलेटेड बात होगा वो मैं वीडियो में शेयर करूँगा। क्या कॉस्ट आता है मुझे भी नहीं पता है, सर्विसिंग कॉस्ट क्या आने वाला है। तो चलते हैं गाइस सर्विस सेंटर, और मिलते हैं अब सर्विस सेंटर। सो गाइस, ये पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, और PNM मॉल, जो लोग पटना से वो लोग जानते होंगे PNM मॉल। ये PNM मॉल के पीछे साइड है, और इधर ही टाटा का सर्विस सेंटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। तो चलते हैं गाइस आगे, मैं आपको दिखाता हूँ टाटा, डायरेक्ट टाटा सर्विस सेंटर में। मुझ गए हम टाटा के सर्विस सेंटर। इज डन विद द सर्विस, और मैं अभी बाहर आ गया हूँ। वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे शूट नहीं करने दिया गया, मतलब शूट मैं कर सकता था, बट क्यों फालतू का, मतलब मैं कर सकता था, ऐसा नहीं है मैं शूट कर सकता था, मुझे जान पहचान वाले भी हैं वहाँ पे। लेकिन एक वो हो जाता है आजकल सर्विस सेंटर में, अगर आप शूट कर रहे हो तो थोड़ा लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो क्यों फालतू का अपना ही काम ख़राब करना, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सारा चीज़ मेरे सामने हुआ है, सारा काम मेरे सामने हुआ है। मैं पूरी देर गाड़ी के पास ही रहा हूँ, और फिलहाल सर्विस हो गया। बिल जो आया है वो बिल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल मुझे एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी ज़्यादा बिल आएगा, बट कम ही बिल आया। बिल आया अराउंड 9,000 रुपये का, अगर पूरी तरह से बोलूँ तो 9,048 रुपये का बिल आया है, जो कि इतने बड़े गाड़ी के लिए और 20 लाख प्लस की गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से ठीक है, डीजल गाड़ी के लिए ज़्यादा नहीं है। मारुति वाले आजकल 6,000-7,000-8,000 ले लेते हैं स्विफ्ट और डिज़ायर का, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। बाकी सर्विसिंग तो मुझे कुछ ख़राब नहीं लगा। टाटा को लोग बोलते हैं आजकल, टाटा महिंद्रा को, कि सर्विस सुधारना चाहिए ये वगैरह, लेकिन मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छे से लोग। तो ये था गाइस हेक्सा का सर्विस। किलोमीटर्स जो था मेरा वो 34,000 किलोमीटर्स है, और 34,000 किलोमीटर्स पे ये सर्विस हुआ है मेरा। और अब इस पे और वीडियोस आएंगे, अगर हेक्सा रिलेटेड वीडियोस चाहिए आपको, टाटा हेक्सा रिलेटेड वीडियोस, तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में नीचे लिखें। बिल मैं एक बार फ़ोटो शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू। सो गाइज, ये रहा बिल मेरी हेक्सा के सर्विस का, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्ट्रोल का मोबिल लगा है, जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 3500 का, 7.5 लीटर मोबिल रहता है ये।
ऑयल फिल्टर लगा है आपको 256 रुपये का, फिर डीजल फिल्टर जो होता है वो चेंज होता है वो 926 रुपीज़ का लगा है, और ब्रेक फ्लूइड जो था वो टॉपअप हुआ था तो 112 रुपये का था, और मैंने सारी वाइपर्स चेंज कराई हैं आगे और पीछे सारी, तो वो मुझे पड़ा 408, 385 और 408 रुपये का। तो ये रहा मेरा पार्ट्स का, पार्ट्स मेरे यही चेंज हुए हैं और कुछ चेंज नहीं हुआ है। और अब मैं पीछे का दिखाता हूँ, तो एक कार केयर किट था वो 361 रुपीज़ का था, जिसमें आपका पॉलिश वगैरह और वाइपर का शैम्पू वगैरह रहता है। फिर इन्होंने लेबर चार्ज लिया वाइपर ब्लेड चेंज करने का 396, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, 400 रुपये वाइपर ब्लेड चेंज करने का, लोग खुद भी चेंज कर सकते हैं। और ब्रेक ऑयल टॉप अप करने का उन्होंने, और रियर और फ्रंट चक्का वक्का खोल कर 649 रुपीज़ लिया है, तो वो तो ठीक है। और मेजर सर्विस जो है आपका वो 1711 रुपये का, मतलब ये सर्विस चार्ज हो गया 1711, तो टोटल टैक्स वगैरह हर चीज़ जोड़ के 9,048 रुपये। ये मेरा 34,000 किलोमीटर्स का पेड सर्विस का खर्चा आया है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हेक्सा पे मैं और भी आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, सो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।